गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज ज्योग्राफी का एमसीक्यू कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, और एमसीक्यू मैंने इसलिए भी रखा है, हो सकता आज नहीं रखा होता मैं, ठीक है कल रखा होता या परसों, देखिए। मगर रखने का रीजन ये रहा बच्चों कि आप लोग एटलस ले लो, समझ लो एटलस अनिवार्य रूप से ले लो, ठीक। और उसके बाद मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको पढ़ो, चीजें क्या होंगी बड़े अच्छे से तैयार होंगी। जो बहुत सारी चीजों को हम लोगों को रटना पड़ता है, लगता है कि बहुत पहाड़ है, तो कोई पहाड़ है, सब मैप का खेल है, समझ लो सब मैप का खेल। तो आप ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का एटलस आता है या तो वो ले लो, या ओरिएंटल ब्लैक स्वान आता है वो ले लो, तो ऐसे बहुत से प्रकाशन है, ठीक है बच्चों। मगर ऑक्सफोर्ड का एटलस जो है वही ले लो, ठीक है वो ले। अच्छा है, मेरे पास भी वही, जब पढ़ाऊंगा तो मैं भी उसी का इस्तेमाल करूँगा, समझ रहे हो, मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोग अनिवार्य रूप से उसको ले लीजिए, ठीक। जो नहीं लेगा तो क्लास जब चलेगा तब खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि वास्तव में इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। और जो पहले से लेके बैठा रहेगा तो कोई समस्या नहीं, हालांकि कोई नहीं ले पाता है, ठीक। तो ये नहीं कि ना ले, अगले दिन ले लेना, क्यों, क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है ही, ठीक। और जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो फिर करना क्या, एटलस लेके बैठे रहना और देख लेना क्या मैं बता रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ करने को, समझ लो। तो ये बात, तो हम लोग इसीलिए मैं आज क्लास में स्टार्ट किया हूँ, मैंने ज्योग्राफी का एमसीक्यू स्टार्ट किया, ठीक है। और मैंने इसका चैप्टर पहले ही बता दिया था, कल मैंने चैप्टर बता दिया था, अक्षांश रेखांकन, सौरमंडल और वायुमंडल, ये तीन चैप्टर का आज एमसीक्यू होगा, समझ लो। करीब करीब 62 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। तो हम लोग बच्चों आ रहे हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में, ठीक है। ज्योग्राफी पार्ट वन सामने है हमारे, पहला क्वेश्चन, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही साथ अपनी धुरी पर, धुरी मतलब क्या, यानी उसका एक्सिस, तो अपने एक्सिस पे भी क्या, बाबू वाला क्वेश्चन है, समझ लो। तो अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करता है, ठीक। तो यहाँ बस दे रखा है ऑप्शन, ठीक, इतना चक्कर, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया हमारे यहाँ पे बात के लिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किस कारण से होते हैं, ठीक। ऊंचाई, ज्वार, सूर्य, चंद्र, ठीक। अब यहाँ हम जब क्लास में आगे बढ़ेंगे, क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो ये मौसम संबंधी जो बात है वो हमको और ज्यादा पता चलेगी। फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए ये समझो कि पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किस कारण से होते हैं। अब ये वायुमंडल का क्वेश्चन बन गया, ठीक है, तो वायुमंडल पढ़ा है, परंतु ये मौसम वाली जो बात है ये अलग चैप्टर में है। तो अब देखो सूर्य, समझ लो, सूर्य के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। अच्छा, सूर्य के कारण मौसम में परिवर्तन क्यों होगा, याद रखना होगा बच्चों, मैंने तुम लोग को ये भी पढ़ा दिया है मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक ना, पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति मैंने बताया है कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक ना, चक्कर लगाता है, तो उससे ऋतु परिवर्तन होता है। वो ऋतु जाके देखो, ऋतु परिवर्तन होता है, कैसे ठंडी गर्मी बरसात आते हैं, मैंने ये सारी बात बताई थी, ठीक। और तो जब क्यों हमारे यहाँ ठंडी में वर्षा नहीं होती, ठंडी में वर्षा क्यों नहीं होती, ठंडी में वर्षा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि वर्षा का स्रोत क्या है, जलवाष्प, और जलवाष्प का स्रोत क्या है, तो समुद्र है, और समुद्र में से जलवाष्प उत्पन्न कब होगा, जब सूर्य जो है उसको अपना प्रकाश डालेगा, ठीक है। तो जब प्रकाश पड़ेगा, सीधी प्रकाश पड़ेगी, तब क्या होगा, तब वेपराइजेशन हो, और वेपराइजेशन होगा तब क्या होगा, यानी कि मौसम के लिए इसमें महत्वपूर्ण कारण कौन हो गया, सूर्य। तो यही बात पूछना हुआ, समझ लो। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है, ठीक। अब कह रहा कि खगोलीय पिंडों का हिस्सा है, तो मतलब यहाँ देखो पूर्व मिलान दे दिया है, समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि एक और दो, एक और तीन लिखा है, एक दो और तीन, केवल एक और
तो ठीक है केवल एक और क्वेश्चन तो ऐसे दे रखा है। अब बच्चों यहाँ देखो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने अपनी क्लास में सौरमंडल में ये बात बता रखा कि आकाश में मौजूद, ठीक है आकाश में मौजूद ग्रह तारे उपग्रह क्षुद्र ग्रह समझ लो गोल का पिंड, ये सब क्या है, ये सब आकाशीय पिंड ही कहलाते। तो अब चाहे तारा हो चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह, चंद्रमा क्या है उपग्रह, तो ये सब क्या है, ये सब आकाशीय पिंड है, यहाँ तक कि सूर्य भी आकाशीय पिंड है। ठीक तो अब यानी आंसर तीनों है, तो तीनों आंसर कौन सा दे रहा है, ठीक है तो हाँ यहाँ पर आइए ए बी, ठीक है बी ठीक है सी। तो अभी आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों, तो यहाँ पे ये हाँ ठीक है दूसरा दूसरा और ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है खैर वैसे भी आंसर तो है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया अठारह दूसरा और तीसरा समझ लो। ठीक तो ये इतनी बात के लिए, अच्छा आगे बढ़े। निम्नलिखित में किसने ब्रह्मांड की विस्तार की अवधारणा की खोज की, यानी कि ब्रह्मांड का हमारे विस्तार होता है ये बात किसने बताई, तो मैंने बच्चों इस बात का भी आंसर दिया। ठीक तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब इसका आंसर बहुत समस्यात्मक नहीं प्रश्न है, एक बेसिक सा डेटा है और वो क्या है एडविन हबल, ठीक ना। तो एडविन हबल जो है इन्होंने बताया था क्या कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार, कैसे बताया था, दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ गई, उन्होंने क्या बताया कि यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार काफी जारी, तो जो बिग बैंग हुआ था 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है 13.7 अरब वर्ष पूर्व वो बिग बैंग में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तो ये एक्सपेंशन जो है ये आज भी जारी, आज भी कंटिन्यू, ठीक है चलो। तो यहाँ आंसर मिला एडविन हबल, ठीक आगे देखें। विनोद सतह पर तरल पानी वाले एकमात्र ग्रह के बारे में बात करते हैं, वह निम्नलिखित में से किस ग्रह की बात, ठीक अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो पृथ्वी तो आंसर है मगर एक लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें, एक लॉजिक के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ देखो एक लॉजिक लगेगा, जैसे हम लोग को बच्चों पता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर इसके बाद से है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है तो हम लोग को पता है कि ये चारों ग्रह क्या है, ये गैसीय ग्रह है, इस पे ठोस है ही नहीं, अभी तो कोई पहुंच ही नहीं पाया, मैंने अपने क्लास में बताया आज तक यहाँ कोई पहुंच नहीं पाया, जब भी इस पे पहुंचने का प्रयास हुआ हवाओं के इतने तेज बवंडर चलते हैं यहाँ पे कि देख के डर लगेगा, यूट्यूब पे इसको ओपन कर लो, बृहस्पति ग्रह की स्थिति ठीक शनि ग्रह की स्थिति ओपन कर लिया, देख देख के डर लगेगा समझ लो, तो कोई भी जहाज वगैरह कुछ भी यहाँ पहुंचता है जहाज, तो अब इसमें मिट्टी है ही कि नहीं, धरातल है कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक तो किसी को कुछ नहीं पता, तो जाहिर सी बात है कि जब ये पूरा गैस ही गैस है तो इन चारों पे पानी नहीं, ठीक अब बुध और शुक्र की बात करें तो ये दोनों इतने हीट हैं कि वैसे ही पानी वेपराइज हो जाएगा, ठीक है पानी वेपराइज हो जाएगा, तो यहाँ तो वायुमंडल ही नहीं है वैसे ही पानी की संभावना खत्म, यहाँ पे है टेम्परेचर इतना ज्यादा वेपराइज जाएगा मौजूद ही नहीं रह सकता है पानी, क्या जल तो ही आदमी पानी भी मिल सकता है मुश्किल, बात है पृथ्वी की तो पृथ्वी पे पानी है। मंगल, अब मंगल पे देखो अभियान भेजा जाता है तो ये करंट से थोड़ा जोड़ लो कि मंगल पे क्या है अभियान भेज जाते हैं, तो क्या वैज्ञानिक बताते हैं कि पानी के सापेक्ष, ठीक है पानी के सापेक्ष मिलने की संभावना, या पानी मिल सकता है या पानी यहाँ पे पहले था, तो ये भी नहीं बचा कौन पृथ्वी, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, किसको कहते हैं तो शुक्र को कहते हैं यानी वीनस को कहते हैं, बात क्लियर बच्चों यहाँ तक, ठीक चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ग्रह नहीं माना जाता है, अच्छा चलो देखते हैं, बृहस्पति तो है मंगल भी है शनि भी है प्लूटो नहीं है, तो प्लूटो क्यों नहीं है,
याद करने की जरूरत है, क्या बात याद करने की जरूरत है सर? 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। उस बैठक में ग्रहों की परिभाषा निर्मित की गई कि ग्रह होगा कौन, ठीक है? तो उसमें ग्रहों की परिभाषा जब निर्मित हुई, क्या बातें थी करके सामने आई? तीन बातें महत्वपूर्ण। पहली बात कि किसी भी अन्य ग्रह की कक्षा का, ठीक है, अतिक्रमण ना करता हो। वरुण की कक्षा का अतिक्रमण प्लूटो कर रहा था। इसकी आकृति यानी इसका आकार आवश्यकता से अधिक छोटा ना, छोटा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कम ना हो, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल भी बेहद कम। तो इस वजह से क्या हुआ, प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से बाहर हो गया। और ये कहाँ चला गया? ये ड्वार्फ प्लैनेट में चला गया, यानी कौन ग्रह में चला गया। तो ग्रह की बात करें तो ग्रह कौन नहीं है? प्लूटो नहीं, ठीक है, प्लूटो नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टाइटन। अच्छा, याद करना होगा तो ग्रहों को मैंने बताया था कि टाइटन शनि का उपग्रह है, और प्लस ऐसे ही एक उपग्रह और हम लोग को मिलता है जिसके यहाँ पर से लग गया, तो ट्राइटन। और ट्राइटन जो है किसका है? ये वरुण का उपग्रह है, यानी नेपच्यून का उपग्रह है। थोड़ा सा यहाँ सतर्क रहना, ठीक है। तो टाइटन शनि का उपग्रह है, और ये पूरे सौर मंडल का, पूरे सौर मंडल का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। तो सर पहला कौन होगा? तो याद करो पहला कौन, ठीक। तो पहला बृहस्पति पे, इतना तो याद आना चाहिए, ठीक है, इतना तो याद आना चाहिए कि भाई बृहस्पति पे है तो कौन है, ठीक। तो बताया हुआ है मैं गैनीमेड जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा। तो फिर ये भी मैंने बताया था कि छोटा कौन, छोटा कौन है? छोटा मैंने बताया था बच्चों मंगल पे दो उपग्रह है, फोबोस डिमोस। तो फोबोस और डिमोस में कौन है? तो डिमोस, ठीक है, डिमोस ये क्या सबसे छोटा उपग्रह पूरे सौर मंडल। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित, ठीक। अब मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है उसमें स्थित, ठीक। तो अब देखो इसका आंसर बच्चों क्या है, ये मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, सेरेस, ठीक ना। सेरेस लिखा मिलेगा कहीं पे, यही सीरस भी लिखा मिलेगा, कोई बहुत समस्या नहीं, ठीक है, बात इसी की हो रही। तो सेरेस जो है ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है उसमें, जैसे हम लोगों ने देखा था सन और फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और ये देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो यही एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है इसमें, क्षुद्र ग्रह बेल्ट इसमें स्थित है, ठीक। कौन सा बौना ग्रह, ठीक है, तो सेरेस, तो सेरेस सेरेस कहाँ पे स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट में, ठीक है, ये बात ध्यान में रखने की जरूरत, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का सबसे हवादार ग्रह, ठीक है, हवादार, ये प्रश्न बच्चों नया हो सकते हैं, ठीक है, हवादार ग्रह। तो सबसे ज्यादा हवाएं जिस ग्रह पे चलती है, ठीक है, वो कौन है? सौर मंडल का सबसे अंतिम ग्रह, सबसे अंतिम ग्रह कौन है? वरुण है, तो ऑप्शन में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चलिए इंग्लिश में ये रखा है, ठीक है, इसी को उन्होंने इंग्लिश वाला वर्णन भी बोला था, ठीक है। और ये टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, समझ लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो अरुण वरुण यानी नेपच्यून, ठीक, आंसर हमारा क्या हुआ? नेपच्यून, नेपच्यून में सबसे ज्यादा तीव्र हवाएं चलेगी, ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करते हैं, अच्छा बिग बैंग सिद्धांत का किस चीज का वर्णन करते हैं बिग बैंग सिद्धांत? तो आसान सी बात है, बिग बैंग सिद्धांत किसका वर्णन करेगा? बहुत कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आसान सा आंसर है ब्रह्मांड की बिग बैंग। क्या बताया था मैंने, 13.7 अरब वर्ष ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में समाहित था,
और इसमें तापमान दबाव घनत्व गुरुत्वाकर्षण बल अनंत इनफाइनाइट अब इनफाइनाइट जो है टेम्परेचर इनफाइनाइट ग्रेविटी तो इससे क्या हुआ अब इसमें विस्फोट और वो विस्फोट क्या कहलाया महाविस्फोट बिग बैंग ठीक बिग बैंग और इस बिग बैंग सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे तो मैंने बताया था बच्चों जॉर्ज लेमेंटी जॉर्ज लेमेंटी ठीक बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि किसने किया था तो मैंने ये भी बताया रॉबर्ट वेगनर वेगनर ठीक भविष्य देखो यहाँ बात मैंने अगर ये समझाई तो यही भी देखो क्वेश्चन हमारे और बिल्कुल ठीक रिवाइज हुआ। अब यहाँ पे 1101 ठीक ना 1101 पूछ रहा है क्या है ये ठीक है ये क्या है तो अब ये क्वेश्चन बच्चों अब सबके लिए नया होगा ठीक है नया होगा तो ये क्या है तो इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं बस एक इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है और इंफॉर्मेशन ये है आकाश ये गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा का नाम जैसे हम लोगों की गैलेक्सी का नाम क्या है हम लोगों की गैलेक्सी का नाम है मंदा ठीक है हम लोगों की गैलेक्सी का नाम क्या है मंदाकिनी ठीक और हमारी पृथ्वी से मंदाकिनी का यानी हमारी आकाशगंगा का जो भाग दिखता है उसको हम क्या कहते हैं उसी को हम कहते हैं मिल्की वे या स्वर्ग की गंगा ठीक बताया स्वर्ग की गंगा और मैंने बताया था हमारा आकाश गंगा जहाँ स्थित है जस्ट इसके बगल में जो आकाश गंगा यानी आकाश गंगाएं तो बहुत हैं तो जो सबसे नजदीक आकाश गंगा होगा उस आकाश गंगा का नाम क्या है उस आकाश गंगा का नाम सर एंड्रो मिला ठीक तो वैसे ही पूछ लिया कि 1101 आईसी 1101 ठीक ये क्या है तो आईसी 1101 ये आकाश गंगा ठीक अब सौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी रहती है ठीक है कितनी रहती है अब यहाँ थोड़ा सा बच्चों मैं देखो उपसौर और अपसौर समझाया था ये ऐसा है 152 मिलियन किलोमीटर ठीक समझना मैं देखो बताया था कि जैसे हमारी ये हमारा सूर्य ठीक है और हमारी पृथ्वी ये कुछ इस तरह से ठीक ये कुछ इस तरह की संरचना होगी और अब देखो मैंने बताया था कि पृथ्वी मान लो यहाँ पे है ठीक एक समय यहाँ पे है और दूसरे समय मान लो पृथ्वी यहाँ ठीक है दूसरे समय यहाँ तो अब देखो पृथ्वी यहाँ सूर्य से नजदीक हो गया तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहेगा तो जो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूर्य का वो अंडाकार मार्ग पर लगा रहा है ठीक तो ये जो अंडाकार मार्ग है वो अंडे का शेप देखा होगा कैसे होता है आगे इंक्रीजर पीछे जो है मोटा तो ऐसे ये कुछ आकृति होती है ठीक ना तो अंडाकार मार्ग पर क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है तो अब समझना ये जो चक्कर लगा रहा है तो यहाँ सबसे नजदीक ये पहुंचता है और ये स्थिति जो होती है सबसे दूर होती है तो परिपथ कुछ इसी टाइप का है ये जाएगा ऐसे और यहाँ से आता है तो ये क्या हो गया दूर ये हो गया नजदीक तो ये जो नजदीक है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम कहते हैं उपसौर ठीक है उपसौर ठीक है यानी कि पेरिहेलियम और ये क्या है अपसौर दूर है अपसौर एफिलियम एफिलियम ठीक तो ये मैंने बच्चों बता रखा है पहले क्लास में तो उपसौर और अपसौर तो अब यहाँ ये जो डिस्टेंस है ठीक है ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस में जी वाला डिस्टेंस पूछना ठीक है कि अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी रहती है ठीक तो 152 मिलियन किलोमीटर ठीक है चलो आगे चलते हैं कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना ठीक है पीले बादलों की मोटी परत से बना तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने जा रहा है हमारा आंसर होने जा रहा है शुक्र ठीक है शुक्र तो सल्फ्यूरिक अम्ल
ये सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। शुक्र का जो आवरण है, देखो शुक्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा मौजूद 96% यहाँ मौजूद, परंतु इसका जो बाहरी आवरण है ये किससे निर्मित है, संपीड़ित अंश, समझ लो संपीड़ित। ठीक, तो ये पूछ रहा है कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना, समझ लो तो हमारा आंसर क्या होता है, शुक्र। ठीक, चलो आगे। रात्रि में आकाश में चमकने वाले बिंदुओं को किस नाम से जाना, ठीक है। अब यहाँ बच्चों देखो, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बस लॉजिक लगाओगे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस लॉजिक लगाओगे तो आंसर आ जाए, ठीक है, आंसर आ जाए। अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है, ठीक, लगाओ दिमाग जरा, ठीक है, लगाओ दिमाग, देखते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो इसको, ये मैं थोड़ा देर पहले बच्चों मैं लगभग इसका आंसर दे चुका हूँ, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। मैं देखो अक्सर बोलता रहता हूँ ऑफलाइन की क्लास में भी बोलता रहता हूँ कि कंपटीशन के रूल ये होते हैं ना, कंपटीशन के रूल ये होते हैं कि आप छह चीजें पढ़ो और इससे आंसर जो है छह पढ़ के चीजों को कनेक्ट करके आंसर निकालो कम से कम जो है आठ, ठीक है, आठ, तब कंपटीशन में मजा आता है। कंडीशन अच्छी ये कंपटीशन में कि छह बच्चे छह पॉइंट पर से अगर पढ़े हुए हैं तो छह, तो छह से आठ दस तो छोड़ो वो छह ही नहीं थे, समझ लो, तो ये सुधारने की जरूरत है। तो अब देखो रात्रि में आकाश में चमकने वाले बिंदुओं को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो मैंने क्या बोला कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में जो जो चीजें हमको दिख रहे हैं, ठीक ना, जो जो चीजें दिख रही है वो क्या है, वो सब है आकाशीय बिंदु, तारा आकाशीय बिंदु, ग्रह आकाशीय बिंदु, उपग्रह आकाशीय बिंदु, ठीक। तो अब देखो इन आकाशीय बिंदुओं को हम खगोलीय बिंदु भी कह सकते हैं, ठीक ना, खगोलीय बिंदु, ठीक। तो अब रात में चंद्रमा है, चंद्रमा उपग्रह, ठीक। तो ग्रह और उपग्रह दोनों की मैंने विशेषता क्या बताई है, ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, सुबह सूरज निकला है रोशनी मिल रही, रात होगा रोशनी मिलना बंद, क्यों मिलना बंद, क्योंकि हम लोग अपने यहाँ हमारे अर्थ पे एनर्जी रिलीज नहीं होती, अगर एनर्जी रिलीज होता तो हम लोग नहीं, तो किससे हमको एनर्जी मिल रही है, सूर्य से मिल रहा है, प्रकाश किससे मिल रहा है, सूर्य से मिल रहा है, तो चंद्रमा जो है उसको भी मिलना, ठीक। तो ये खगोलीय पिंड किससे प्रकाशित हो रहे हैं, सूर्य से प्रकाशित हो रहे हैं, वही बात कह रहा है चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं, तो आंसर क्या है, खगोलीय, ठीक। आगे चलते हैं, लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम, ठीक, लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम। अब ये बच्चों देखो इंफॉर्मेशन वाला ये भी बात हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन वाला ये भी बात हो गया कि लूसीफर किस ग्रह का नाम है, तो लूसीफर जो है ये शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पृथ्वी अपनी ही दूरी पर एक घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, ठीक, एक घंटे में। अच्छा यहाँ थोड़ा सा बच्चों का दिमाग लगाना होगा, आप शांति संतर का पूछ रहा, देखो मैंने बताया था कि एक डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना लगता है, चार मिनट, एक डिग्री घूमने में कितना लगता है, चार मिनट। तो मान लो अगर ये 60 डिग्री घुमाता, ठीक है, 60 डिग्री घुमा था तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 60 × 4, ठीक है, 240 मिनट, ठीक है, 240 मिनट, ठीक है। तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ यहाँ क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, ठीक है, हमको घंटे में इसको चेंज करना है, ठीक है, घंटे में चेंज करना है। तो याद करो बच्चों क्लास में ही मैंने बताया था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 50 डिग्री बराबर, अब इसको गुणा करो, ये सब नहीं करना, बस एक आसान सी बात है क्या,
एक डिग्री में 4 मिनट तो 15 डिग्री में, तो 15 डिग्री में 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा ठीक। तो अब क्या बोला है, 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी, तो सिंपल बात 15 डिग्री तो है ऑप्शन में, बिल्कुल 15 डिग्री ठीक। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा, तो ठोस हिस्सा कौन है, कोई समस्या नहीं है। कोर, मेंटल और ब्रस्ट ठीक है, चैप्टर ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना चैप्टर है, इसको पढ़ोगे ठीक। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, ब्रस्ट, तो देखते हैं आंसर में, बिल्कुल है ब्रस्ट ठीक है, तो ब्रस्ट होगा ठीक। आगे देखते निम्नलिखित में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना ठीक है, भूकंपों के अध्ययन के रूप में ठीक। तो अब देखो भूकंपों के अध्ययन के रूप में किसे आता है, किसे जाना जाता है, तो सिस्मोलॉजी पढ़ा चुका हूँ ठीक है, सिस्मोलॉजी कभी बताया है, दे दिया क्वेश्चन इसमें मैंने। निम्नलिखित में से कौन एक जोबियन ग्रह नहीं ठीक है, जोबियन ग्रह नहीं, अच्छा जोबियन ग्रह नहीं। अब देखो बच्चों ये एसएससी सीपीओ ठीक है 2019 मॉर्निंग का, समझ लो मॉर्निंग, यहाँ पर मैंने देखो क्या बोल, मैंने बोला है कि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो सामने है, लिखा हुआ चेक कर लो, गूगल कर लो ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जोबियन ग्रह कौन है, तो मैंने बताया था बृहस्पति जी ठीक है, शनि, अरुण, वरु, ये सब जोबियन ग्रह ठीक है, जोबियन मतलब जुपिटर जैसे ग्रह, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरु, अग्रह, तो बृहस्पति है, शनि भी है, यूरेनस यानी अरु ठीक, तो मंगल क्या है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, तो यहाँ कौन होगा आंसर, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मंगल ठीक है, तो कौन जोबियन ग्रह नहीं है, मंगल। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20, अक्षांश के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है ठीक है, मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखो बच्चों क्या है, अक्षांश रेखा के निम्नलिखित में से कौन सा समांतर मकर रेखा का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब क्या इसका मतलब यह है कि मकर रेखा ठीक है, मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, याद रखना होगा 0 डिग्री ये विषुवत रेखा इक्वेटर विषुवत रेखा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध में यहाँ 23.5 डिग्री पे मकर है और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे ही है उत्तर ठीक। अब जरा चेक करें तो देखो 23.5 दो जगह मिल रहा है, 23.5 यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो मकर कहाँ है, मकर दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में 23.5 ठीक। बस मैं पता बच्चों देखो याद है, मैप याद है, वो समस्या होना नहीं ठीक। भारत के मानक मेरिडियन के रूप में किस देशांतर को चुना गया ठीक है, यही मैं बता चुका हूँ ठीक है, 85.5 डिग्री पूर्वी देश ठीक है, 85.5 डिग्री पूर्वी देश, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए ठीक। चलो आगे चलते हैं, भारत के अच्छा देश उत्तर में स्थित है, अच्छा भारत के उत्तर कौन इस उत्तर में स्थित है, चलो ये डायग्राम से ही समझ रहे हैं ठीक, विश्व रेखा पर भारत कहाँ स्थित है, भारत यहाँ स्थित ठीक, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो यानी कि भारत कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध, अच्छा लेकिन फिर पूछ जा रहा है उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित मकर रेखा, मकर तो यहाँ यानी ये नहीं होगा, भारत जो उत्तर में स्थित है कर्क रेखा ठीक। चलो अभी देखते हैं इसको, भूमध्य रेखा नहीं नीचे है, प्रधान माध्यान रेखा ये तो इधर से आ गया ठीक है, ये भी नहीं, यानी कि क्या है कर्क रेखा, यहाँ देख लो ठीक है, तो क्लियर। एक डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, बेहद बाबू वाला क्वेश्चन ठीक है, एक डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर का होता है, 111
निम्नलिखित में से किस राज्य से कट रेखा गुजरती है, किस राज्य से गुजरती। तो मैंने बच्चों इसका इसका कोड बताया था, ठीक है, कोड बताया था, मित्र प्रगमशक, ठीक, उसके अकॉर्डिंग देख लो तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम। भारत के भूगोल में इसको मैं बताऊंगा, अगर मैं नहीं बताया रहा होगा तो मैं भारत के भूगोल में इसको बताऊंगा। 53 वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अब सौर भी कहा जाता है, पर होती, ठीक। अब ये बच्चों सबके लिए यहाँ पे क्वेश्चन नया, ठीक ना, सबके लिए क्वेश्चन नया, ठीक। अब नया कैसे हो जा रहा है, नया ऐसे हो जाता है 53 वर्ष के किस दिन, ठीक है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अब सौर भी कहा जाता है, पर होती। नया क्वेश्चन नहीं, नया क्वेश्चन नहीं, ये 53 की वजह से मुझे लगा कुछ नया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जरा समझो, यहाँ देखो नया क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया था उपसौर और अपसौर। तो उपसौर की घटना और अपसौर की घटना, तो उपसौर मैंने बताया था 3 जनवरी, अपसौर क्या बताए थे 4 जुलाई, ठीक है। तो जनवरी और जुलाई का मैंने बोला था ध्यान रखना, और संख्या उप मतलब नजदीक, तो संख्या की छोटी वाली थी, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई बड़ी वाली हो गई, किससे अपसौर, यहाँ आंसर हो गया 4, ठीक। अच्छा अब देखिए, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त, ठीक है, किस रूप में जाना जाता है, ठीक, आसान सा बात है, अक्षांश के समानांतर। भूमध्य रेखा के समानांतर सभी वृत्तों को भूमध्य रेखा, तो वैसे चले जाओ तो ये सब क्या है, अक्षांशी रेखा ही जो है, ठीक है, जो कि 90 ऊपर और 90 दक्षिणी गोलार्ध, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 181, बताया था मैंने, ठीक। यहाँ पे बिंदु का रूप धारण कर लेता है, वास्तविक पूछेगा तो 2 माइनस कर देते हैं, 179 हो जाता है, ठीक है, वैसे मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक, चलो आगे चलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहा। देखो मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है दोनों गोलार्धों में बराबर बराबर, तो विषुवत रेखा पर जब सूर्य होगा तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि क्या होगी, समान होगी। और ऐसे जब दोनों गोलार्धों में पृथ्वी में दिन और रात की अवधि समान होती है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं एकविनाश, यानी विषु, विषु, ठीक, विषु से ही पड़ा है विषुवत रेखा। अच्छा देखते हैं क्या पूछ रहा है, ठीक, शीतकालीन संक्रांति का दिन विष्णु पर संक्रांति 25 वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, 21%, ठीक। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण मदद करती है, ये भी बता चुका हूँ, आयन मंडल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को, क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। अब देखो ये वाह वायुमंडल, ठीक ना, वाह वायुमंडल यहाँ पे टाइप है, समझ लो, तो मध्य मंडल नहीं चमकता, समता मंडल नहीं, मतलब यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होता, बहिर्मंडल, ठीक है, बहिर्मंडल, ठीक, बहिर्मंडल यहाँ से नहीं होता। अब ये देखो वाह वायुमंडल, वाह वायुमंडल, तो वाह वायुमंडल जो है यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा वाह वायुमंडल कैसे हुआ, ये मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, जब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और फिर मैंने यहाँ बताया था वायुमंडल। तो वाह वायुमंडल, तो ये यहाँ से जो शुरुआत हो रहा है, समझ लो, वाह ये वायुमंडल का जो बहिर्मंडल है, ठीक है, जो शुरुआत हो रहा है, इसके रूप में आंसर को मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मानना है, वाह वायुमंडल। और अगर ये शब्द यूज नहीं होता और दिया होता साफ साफ आयन मंडल, तो यही हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, ओजोन बचाता है, ठीक है, चलो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। पृथ्वी के वायुमंडल में तीन दो गैसों का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 78-21। मेसोपॉज के ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता, ठीक। अब मेसोपॉज, अब देखो मेसोपॉज, अब देखो यहाँ
बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था ये क्षोभमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल, वात, ठीक है। डायग्राम जाके देखना, क्षोभमंडल के बाद संतापमंडल, ठीक। और यहाँ क्या कह रहा है, मेसोपॉज, तो मेसोपॉज कौन होगा, मेसोपॉज। तो ये संतापमंडल के ऊपर वाला देखो, यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक। ये स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया, स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये मेसोस्फीयर, तो ये क्या हो गया, मेसोपॉज, मेसोपॉज, ठीक। और यहाँ और ये वाला एरिया, ठीक, ये आयन मंडल, ठीक है। तो आयनोपॉज, अब देखो क्या कह रहा है कि मेसोपॉज के ऊपर स्थित है कौन सा मंडल, मेसोपॉज के ऊपर स्थित, तो जाहिर सी बात है मेसोपॉज के ऊपर कौन है, आयन मंडल, ठीक। तो अब देखते हैं आयन मंडल किसमें है, हमने तो वही आयन मंडल का नाम बच्चों क्या बताया, वाह है, ठीक है, वाह है, वायुमंडल, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, वाह है वायुमंडल, यानी कि ये क्या है, आयन, आयन मंडल, इसको वाह है, वाह मंडल भी बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक। इस बात को ध्यान में रखो, आगे पृथ्वी के वायुमंडल में आर्गन का लगभग कितना प्रतिशत योगदान, सब बताया, ठीक ना, सब बताया है कि आर्गन 0.93 बताया, ठीक है, 0.93 बताया। तो 0.93 अगर मैंने बताया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरऑल में अगर हम इसको देख ले तो एक हो गया, तो नहीं हो गया, यहाँ आप समझिए एक पर। वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है, ठीक, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव कर सकती है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पे अगर ऑप्शन में, ऑप्शन में मध्य मंडल, अगर ऑप्शन में बच्चों मध्य मंडल होता तो ये भी आपका आंसर होता, आंसर होता, परंतु मध्य मंडल ऑप्शन में नहीं है, उल्का पिंडों के जलने की घटना जो है, ठीक है, कहाँ शुरू हो जाती है, मध्य मंडल, मगर हम लोग जो उसको देख पाते, उसको जो महसूस कर पाते, हाँ ये उल्का पिंड जल रहा है, और जब जलते हुए हम लोग को देखता है क्या बोलते हैं, चुपता हुआ तारा, ठीक है, यही उल्का पिंड जब जलेगा, जल जाता है तो जल के खत्म हो जाता है, तो कहते हैं उल्काश प्लस टूटता हुआ तारा, दिख गया हमको तो कहते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या है, तो ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभमंडल, ठीक है। कंफ्यूजन होगा कमेंट में बोल देना, अगली क्लास में सब। एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जिम्मेदार, ठीक है, गर्म होने के लिए जिम्मेदार। तो अब यहाँ पे आंसर बच्चों क्या होने जा रहा है, अब यहाँ पे आंसर होने जा रहा है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती है जैसे सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब ये क्या, ये पृथ्वी के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, समझ लो किसी के द्वारा से बातें होती है कि फ्रिज ए सी का प्रयोग जो है कम किया जाए, वायुमंडल में जो धुएं देने वाले गाड़ी है उन पे रोक लगाई जाए, सीएनजी का प्रचलन इसी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है इसी वजह से आए हैं, कि ये जो वैश्विक तापन यानी हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस, समझ लो इफेक्ट, ये क्या होता है, ठीक है। इसी वजह से जो है जून की स्थिति देखो, इस बार हालत खराब हो सकती, ठीक। हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, यह तापमंडल से 10,000 किलोमीटर तक, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत कौन होगा, कोई इसमें कठिनाई वाला बात है ही नहीं बच्चों, समझे। तो सिंपल आंसर क्या हो गया, वायुमंडल, ठीक ना, एक्सोस्फीयर। किस बल के कारण गतिशील पिंड उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ निकल रहा, ठीक है। तो ये बच्चों कोरियोलिस बल है, मैं इसको किस दिन समझाऊंगा कि कोरियोलिस बल क्या होता है, ठीक है। कोरियोलिस बल क्या होता है, ध्रुव पे इसका क्या प्रभाव है, ध्रुव पर क्या प्रभाव है, और इक्वेटर पे इसका विषुव रेखा पे क्या प्रभाव है, इसको मैं समझाऊंगा आगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। और मानसूप शब्द किससे उत्पन्न हुआ, तो अरबी शब्द है, अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी शब्द मानसून, मौसम से बना है मानसून,
मॉर्फिम से बना है मॉर्फिम को, मॉर्फिम अरबी में मॉर्फिम को क्या बोलते हैं, मॉर्फिम, उसी मॉर्फिम से उत्पत्ति हुआ है मनुष्य। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो छो पॉइंट करते हैं तो वो इसलिए आसान क्वेश्चन। मिक्स ओलंपिया किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। सिंपल बात है, ये ग्रह है तो ग्रह की परिक्रमा उपग्रह लगा रहा है, ठीक, और ग्रह जो है ये परिक्रमा किसकी लगा रहा है, ये सूर्य की लगा रहा है, समझ लो। तो उपग्रह तो लगा ही रहा साथ में, ठीक है, उपग्रह लगा ही रहा है और ये उपग्रह सूर्य का भी लगा है, मगर मेनली किसका लगाएगा, ग्रह, ठीक। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, ठीक है, तो जो सॉरी हाँ किसी ग्रह के चारों ओर क्या है, तो यहाँ उपग्रह, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, कि भाई ग्रह जो है गति कर रहे हैं, ठीक है, गति कर रहे हैं, ये बात किसने बताया है, ठीक। तो अब ये बात किसने बताया है, यहाँ पे ये केपलर का सिद्धांत है, तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है, केपलर ने प्रतिपादित किया है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, ठीक, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है, ठीक, ऑप्शन में जरूर होगा 4 मिनट। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निर्माण से कौन सा क्रम सही है, ठीक, ये भी तुम लोग अपने मन से बता सकते हो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है, बस सही, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि ऊपर। आधार के अनुसार सौरमंडल ग्रहों का अवरोही क्रम घटते हुए क्रम पर आकार के सबसे पहले कौन है, सबसे पहले मैंने बताया था बच्चों बृहस्पति, जी बृहस्पति, शनि, सैटर्न, ठीक है, अरुण, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, यानी कि वरुण, ठीक। इसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद बताया था मैंने अर्थ, फिर मैंने बताया था वीनस, वीनस, ठीक, इसके बाद इधर आ जाए, ठीक है, वीनस, तो वीनस के बाद इधर आ जाता है मंगल यानी मार्स, और फिर इधर आ जाए लेफ्ट में तो ये दर्शा है मध्य। अब देखते हैं हम आकार के अनुसार सबसे पहले कौन है, जुपिटर, तो बृहस्पति, चलो बृहस्पति सदन दे रखा है, फिर शनि है, शनि भी सब में दे रखा है, फिर इसके बाद से अरुण है, तो हाँ ये अब ये कट गए क्योंकि इसमें पहले ही वर्ण को दिया बी वाला तो पता, अब अरुण इन तीनों में दे रखा है, ठीक है, चलो अरुण, अरुण के बाद वरुण है, वरुण जो है वरुण, फिर ये तीनों दे रखा है, वरुण के बाद पृथ्वी है, फिर देखो पृथ्वी, अब हाँ ये तो कट चुका था, अब देखो यहाँ पृथ्वी वजह से दे दी, ये भी काट दो, अब बचा तो पृथ्वी यहाँ भी दे रखा है, अच्छा पृथ्वी के बाद जो है शुक्र, तो पृथ्वी के बाद शुक्र देखें तो शुक्र, तो ये कट गया, ये कट गया, अब यहाँ पृथ्वी के बाद यहाँ बुध दे दिया, मगर यहाँ शुक्र दे रखा है, यानी हमारे आंसर तो बाकी, समझ लो। तो ये एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग करेंगे आंसर पे सर्व, ठीक, आगे करें। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखना होगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का, ठीक है, ग्रह का वेग, ठीक, वेग कैसा होता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, ठीक है बच्चों, तो उसके कंडीशन की बात किया है, ठीक, स्थिति कैसी रहे, ठीक, देखो याद रखना, याद रखना, जो ग्रह, जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक, ठीक है, जितना नजदीक, तो उसका क्या है, ठीक है, उसका वेग क्या होगा, उसका वेग हमेशा और हमेशा तेज होगा, तेज होगा, तो क्या होता है यहाँ पे अधिकतम होता है, ठीक, और नजदीक, नजदीक वाली बात मैंने करी, दूर है तब कहाँ हो पाएगा, नहीं, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, ठीक ना, वामावर्त, ठीक, तो वामावर्त कौन घूमता है, ठीक, तो अब यहाँ पे देखो वामावर्त मतलब जैसे 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 ग्रह जो है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, ठीक है, एंटी क्लॉक, कौन कौन घूम रहा है, छह ग्रह क्लॉकवाइज, कौन घूम रहा है, क्लॉकवाइज दो ग्रह घूम रहे हैं, ठीक, तो दो ग्रह कौन है, तो शुक्र है और अरुण, ठीक ना, ये क्या है, पश्चिम से पूर्व
नहीं घूमते, ये किधर से घूमते हैं, पूरब से दक्षिण। पार्थिव ग्रहों की संख्या चार है, बाबू वाला क्वेश्चन बताओ। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात के समान होती है, क्या बात है, ठीक है, घुमाते रहते हैं, ठीक है, ये रिपीट हो गया। निम्न में कौन सा कथन असत है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, ठीक है, अपने को पहले ही मिल गया आंसर, ठीक है, पहले ही आंसर मिल गया। देशांतर रेखाओं की हम लोग को मालूम है कुल संख्या कितनी है, 360, तो असत्य कथन कौन है, अभी सत्य है, सही है। एक बिंदु देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती, तो जाहिर सी बात है एक बिंदु देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी, बना लो रूट करके देखो, ठीक है, एक बिंदु देशांतर की सर्वाधिक दूरी, तो ये बनाया, अब इधर बात नहीं जरूरत नहीं, ठीक है, ये बनाया विषुव रेखा, ठीक, अब ये अक्षांशी रेखाएं मैंने बना दी। चलो अब देखो, अब यहाँ से बच्चों देखते चलो, अब ये देखो ध्यान दो अगर, तो ये देखो ये सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि विश्व के पास, तो विश्व रेखा, ठीक है, एक भी कहाँ पर होगी, विश्व रेखा, जो जो ऊपर जाएंगे, ठीक है, दूरी क्या होगी इसकी कम। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत, ठीक, आसान क्वेश्चन। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य हरारती 1 डिग्री सेल्सियस प्रत्येक दर, यानी कि कह रहा है ये, पढ़े हो बच्चों, देखिए वो नोट्स में है, ठीक, वीडियो में है, कितना ऊपर जाने पे तापमान जो है गिर जाता है, तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या है, घट जाता है, ऑप्शन में 164, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई, अब क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो अब यहाँ पे बच्चों अधिकतम पूछा है, एवरेज नहीं पूछा है, ठीक, हमारा आंसर क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई 18, कोई डाउट, ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, भाई सिंपल बात है, इस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होगा, तो ये मान लो क्षोभ मंडल है, तो जब गर्मी का समय आएगा, गर्मी का जब समय आएगा, तो अब क्या होगा, ये वायुमंडल जो है, वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है, अब ये क्या होगा, ये गर्म का गर्म के ऊपर उठेगा, ये क्या होगा, ये और फैलेगा, ठीक है, फैलेगा, तो गर्मी के समय क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, ठंडी में क्या है, घट, ठीक है, ध्रुवों में क्या है, इसीलिए इसकी ऊंचाई ध्रुवों पे कम होती है, ठीक। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहनी मंडल भी कहते हैं, यानी संवहन आना, ठीक है, तो संवहन मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, क्षोभ मंडल, ठीक, और इसी संवहन मंडल को, यानी क्षोभ मंडल को हम और एक नाम देते हैं, विक्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, पढ़ाया मैंने बताया होगा वहां पे, किस वायुमंडलीय पदार्थ को मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय पदार्थ को क्या कहते हैं, ठीक है, एसएससी 2013, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय पदार्थ को क्या कहते हैं, तो यहाँ भी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय पदार्थ को क्या बोलते, अब लॉजिक लगा लो, सबसे अंतिम में कौन है, पांचवे है, सबसे अंतिम कौन है, पांचवा कौन है, बहिर्मंडल, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है, यानी समतापमंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर कौन पाया जाता है, समतापमंडल पाया जाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर, बात क्लियर। समतापमंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों, अच्छा ये थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन था, अच्छा लगता है, इस परत में उपस्थित ऊर्जा के कारण थोड़ा कम होती है, नहीं, इस परत का तापमान समान रहता है, जो ईंधन की दक्षता के अनुकूल उपस्थित है, थोड़ा कम होती है, यह परत विमान भी शत्रु द्वारा क्षमता के बाहर हटा, इस परत में बादल स्थान मौसम संबंधी घटनाएं नहीं, ये करेक्ट आंसर होगा, तो इस मंडल में मौसम संबंधी घटना बच्चों क्या है, नहीं, ठीक है, तो 62 क्वेश्चन थे बच्चों, 62 क्वेश्चन थे, अभी हमारे 62 क्वेश्चन यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक, तो मैंने क्या बोला, मैं आज एमसीक्यू का क्वेश्चन एमसीक्यू लिया ही क्लास के, क्योंकि
आप लोग को बोलना था कि गेटलेस, समझ रहा हूँ, गेटलेस अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से तो 210 रुपए के समथिंग जो भी 200 का मिले, 250 का मिले या 300 का मिले, कोई इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता, समझ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, फ्यूचर है ना, जो 250 का कोई बहुत मैटर नहीं, ठीक, ले लो और ले के देखना उसका मजा, ठीक। तो अगली क्लास में होगी ज्योग्राफी की, ठीक, मैथ होना चाहिए, मैथ यानी कि गेटलेस, ठीक ना, गेटलेस जिसमें बहुत सारे मैथ भी, ठीक है, तो गेटलेस देखिए आप लोग की, और फिर जो है कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक, चलो तो आज की क्लास में बच्चों रोकता हूँ, ठीक है, और फिर हम लोग कल के क्लास में